भारतीय चिकित्सा पद्धति किस तरह दिन ब दिन सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है और भारतीय सर्जन चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ये बच्चा मुजम्मिल। मुजम्मिल 3 साल का है और अफगानिस्तान का रहने वाला है। इसकी छाती में लगभग 750 ग्राम का ट्यूमर हो गया था, जिसका दिल्ली के जीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके मुजम्मिल की जान बचा ली। ये एक मुजम्मिल बच्चा है, 3 साल के उम्र का बच्चा है। इसके फादर जो हैं वो कम से कम पिछले 1-1.5 महीने से परेशान थे। इसका ट्यूमर जो है वो बढ़ता जा रहा था और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अफगानिस्तान में इन्होंने बहुत 10-15 अस्पताल में गए, कहीं पर भी सब ने इनको मना कर दिया क्योंकि खतरा बहुत था, ट्यूमर बहुत बड़ा था और वो सीधा ही जो इसका राइट साइड का लंग था उसको बिल्कुल दबाए हुए था और उसको ख़त्म कर रहा था और हार्ट की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ भी बड़े बड़े अस्पतालों के होने के बाद यहाँ पर पहुँचा तो हमें लगा कि हमें इसकी मदद करनी है क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तो इसका जो ऑपरेशन था वो 6 घंटे चला। हम 3 सर्जन्स थे इसके अंदर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सबरवाल, मेरे साथ डॉक्टर मोहित माथुर थे और डॉक्टर राजीव थे, और हम 3 इंटेंसिविस्ट थे हमारे साथ और 2 पीडियाट्रिशियंस थे जिसमें डॉक्टर सुनीता हमारे यहाँ की हैं वो भी साथ में थी। और इसके अंदर खतरा बहुत बना रहा, पहले 24 घंटे भी हमें बहुत खतरा था कि बच्चे को मशीन से निकाल पाएंगे कि नहीं। 48 घंटे के बाद बच्चे को मशीन से हमने जब हटाया तो उसका सांस पूरा अच्छे से अब आता हुआ देखते, मेरे ख्याल से बहुत ही मिरेकुलस है और ये बहुत ही एक अपने ही तरह में बहुत विचित्र और बहुत रेयर केस है, और इसमें से निकल जाना आई थिंक दिस इज बाय गॉड्स ग्रेस। अफगानिस्तान के लगभग सभी हॉस्पिटल जब मुजम्मिल की जान बचाने में असमर्थ रहे तो उसके माता पिता उसे लेकर दिल्ली आए और उसके पिता ने दिल्ली के लगभग सभी बड़े प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में मुजम्मिल को दिखाया, लेकिन कहीं भी डॉक्टर्स ने मुजम्मिल की बचने की आशा नहीं दिखाई। फिर इस बच्चे के घर वाले इसे लेकर जीवन हॉस्पिटल गए, जहां के डॉक्टर्स ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और लगभग 6 घंटों के ऑपरेशन के बाद ट्यूमर निकाल दिया। कितने साल का बच्चा था और कितने हॉस्पिटल में अब गया? जी, मैं अफगानिस्तान से बिलोंग करती हूँ और अफगानिस्तान में मैंने अपने बच्चों को दिखाया था ये कोई 10-12 हॉस्पिटल में, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों को ट्यूमर है, लंग्स में ट्यूमर था, तो हम इंडिया है, यहाँ पर भी 3-4 हॉस्पिटल्स में दिखाए, जैसे मैक्स हुआ, आर्टिमिस हुआ, अपोलो हुआ, तो वहाँ भी थोड़ा उनसे नहीं हो पाया। तो क्योंकि 5 साल पहले मेरे सांस का, मेरे मदर इन लॉ का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, तो उनके गले में ट्यूमर था, तो हम भी जीवन हॉस्पिटल नंबर 1 में डॉक्टर साबरीवाल साहब के पास आए, माशाल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल की छाती में ये ट्यूमर दिल और फेफड़े के बीच में था और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जिससे इस मासूम को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ट्यूमर धीरे धीरे फेफड़े को दबाए जा रहा था। ऑपरेशन होने के बाद मुजम्मिल की स्थिति अब ठीक है और वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट।